मान्यताओं वाला देश है। हिंदुस्तान की भूमि पर कई ऐसी जगह हैं जहां बहुत से चमत्कार देखने को मिलते हैं। भारत की धरती पर ना जाने ऐसी कितनी ही जगह होंगी जहां जाने से आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। यूं तो आज के टाइम पर विज्ञान के पास हर मर्ज की दवा है, लेकिन कई बार किसी रोग के आगे विज्ञान भी अपने घुटने टेक देता है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि डॉक्टरों के पास हमारी बीमारी का इलाज नहीं होता। आपको बता दें, भारत में लकवा से पीड़ित मरीजों की संख्या लाखों में है, जिसमें से बहुत से मरीजों को मेडिकली ठीक हो जाते हैं, तो वहीं कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनका मेडिकल रूप से कोई असर नहीं पड़ता। बता दें, पैरालाइज एक ऐसी स्थिति है जब शरीर का एक पार्ट काम करना बंद कर देता है। शरीर के जिस हिस्से में पैरालाइज होता है, बॉडी का वो पार्ट काम नहीं करता और रोगी को दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ती है। तो आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जाने मात्र से लकवा ठीक हो जाता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मंदिर की यही मान्यता है कि लकवा का मरीज इस मंदिर में आता बेशक किसी के सहारे हो, लेकिन मंदिर से वापस वो अपने पैरों पर ही जाता है। बताएं तो ये चमत्कारिक मंदिर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के अजमेर में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कुचेरा, वहीं है ये चमत्कारिक मंदिर। ये बुटाटी धाम के नाम से प्रसिद्ध है और इसे चतुर्दास जी महाराज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बता दें, बुटाटी धाम अपनी चमत्कारिक शक्तियों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, जहां हर दिन सैकड़ों लोग लकवा का जादुई इलाज करवाने आते हैं। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मंदिर परिसर में कोई डॉक्टर, हकीम या वैद्य नहीं है, बल्कि यहाँ लकवे का इलाज मंदिर की चमत्कारिक शक्तियों द्वारा किया जाता है। आपको बता दें, लकवे के सफल इलाज के लिए मरीज को 7 दिन तक लगातार मंदिर की परिक्रमा लगानी पड़ती है और परिक्रमा पूरी होने के बाद मरीज को एक हवन में हिस्सा लेना होता है। हवन के खत्म होने के बाद कुंड की भभूति से मरीज को लगाई जाती है, जिसके बाद रोग खुद ब खुद ठीक हो जाता है। बता दें, ये पूरी प्रक्रिया किसी चमत्कार से कम नहीं है। जो लोग लकवे की वजह से बोल नहीं पाते, वो लोग यहाँ के बोलने लगते हैं। आपकी अधिक जानकारी के लिए हम आपको बता दें, मंदिर में इलाज के लिए किसी प्रकार का कोई धन नहीं लिया जाता। यहाँ रहना, खाना पीना सब कुछ निशुल्क है, लेकिन जब मरीज ठीक हो जाता है तो वो अपनी इच्छा शक्ति से यहाँ पे दान करके जाता है, जिसे मंदिर की रखरखाव के कार्यों में लगाया जाता है। इसी के साथ आपको इस चमत्कारिक स्थान का रहस्य बताए तो, कहते हैं कि करीब 500 साल पहले इस जगह पर एक महान संत जिनका नाम महाराज चतुर्दास है वो हुआ करते थे। उन्होंने जब लकवे के रोगियों को तड़पते हुए देखा तो उन्होंने घोर तपस्या की और लकवा को ठीक करने की सिद्धि प्राप्त की। और आज भी जो लोग इनके मंदिर में, इनकी समाधि में श्रद्धा पूर्वक आते हैं, वो यहाँ से ठीक होकर ही जाते हैं। बता दें, काफी वैज्ञानिकों ने इस पर शोध भी किया और उनकी रिसर्च में ये मानना है कि इस धरती पर कोई मैग्नेटिक ताकत है जिससे रोगी ठीक हो जाता है। खैर, अब कारण कोई भी हो, पर अच्छी बात तो ये है कि इस धरती पर जाने मात्र से लकवे के मरीज ठीक हो जाते हैं। क्यूरेन हेल्थ डेस्क से आरती की रिपोर्ट।